सो हेलो फ्रेंड्स, राम मोहन कॉलेज का भी आ चुका है आप मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट चेक करते हैं कैसे, आपको पता होगा। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आपको जाना है। तो ये पोर्टल खुलेगा तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट का सेक्शन आएगा, मेरिट लिस्ट का सेक्शन भी जाना है। देखो 10 तारीख आज ही निकला है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। सबको पता है पहले प्रोविजनल निकलता है जिसमें सबका नाम रहता है, ठीक है ना, सबका नाम रहेगा इसमें। तो जैसे कि कोई बीकॉम ऑनर्स किया है तो बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक करो, यू आर मतलब रिजर्व किसका है, उसके बाद यहाँ चेक कर लो अंडर रिजर्व। इसमें आप ये फ़ायदा है प्रोविजनल में कि अपना रैंक चेक कर सकते हो। अगर इसका सीट कैपेसिटी मान लो 100 है तो लगभग अगर 150-200 अगर आपका होता है रैंक तो ये चांसेस है कि आपका एडमिशन का पक्का ही हो जाएगा। भले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100 के ऊपर वाला का ना है लेकिन मतलब एडमिशन तो हो जाएगा। तो यहाँ से आप एटलीस्ट अपने रैंक चेक कर सकते हो, नाम चेक कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, अपना मार्क्स, ठीक है ना, ये चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल हो तो एससी एसटी ओबीसी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, प्रोविजनल है, सबका नाम आना ही चाहिए। बार बार मैं हर वीक वीडियो में बोलता हूँ, जिसमें इसका नाम नहीं आएगा मतलब उसका एप्लीकेशन आइदर रिजेक्ट है या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कंप्लीट होगा तभी यहाँ पर नाम आएगा। अगर कुछ आपका नाम नहीं आता तो कॉलेज डेफिनेटली 1-2 दिन टाइम देता है। तो आपको अगर नाम नहीं आता इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो कॉलेज को या फिर अपना प्रोफाइल में देखो क्यों नाम नहीं आया, आपने कंप्लीट किया था कि नहीं किया था, ये चीज़ देख लेना। तभी फिर अपडेटेड जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट होता है उसमें आपका नाम डेफिनेटली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।